हेलो फ्रेंड्स, तो आ गए आप सब। तो कैसे हो, सब ठीक चल रहा है ना? हमारी अपनी लाइफ में एक बेस्ट लाइफ पार्टनर की जरूरत होती है, जो हमारे साथ हरदम रहे और जितनी भी प्रॉब्लम आए वो हमारे साथ रहे। तो मैं हूँ विराज, आप समझ गए होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं हॉटस्टार में रिलीज हुई खुदा हाफिज मूवी, जो कल रिलीज हुई है 7:30 पे। आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं, मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के साथ, लास्ट तक बने रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। पर उससे पहले, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि कोई भी मूवी या वेब सीरीज़ की डिटेल्स आपसे मिस ना। ठोको यार और मजे लो। खुदा हाफिज़, जिसकी IMDb पर रेटिंग है 8.4 out of 10, अगर आप इसे एक एक्शन मूवी के रूप में देखने जा रहे हैं तो आप इसमें बिल्कुल गलत है। ये कोई एक्शन मूवी नहीं है, तो आपका टाइम ही वेस्ट होना है अगर आप एक्शन मूवी के बारे में सोचकर जा रहे हैं तो। और बात करें आपको ये मूवी देखनी भी चाहिए या नहीं, तो जी हाँ, आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। ये एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी होने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इसकी कहानी की। तो कहानी शुरू होती है January 2008 से, जब मनमोहन सिंह की सरकार होती है। तो उस टाइम इंडिया का GDP इतना कम हो जाता है कि देश में बेरोजगारी आ जाती है। इसी बीच नरगिस की जॉब चली जाती है, इसी वजह से वो फॉरेन कंट्री में जॉब अप्लाई करती है। नोमन में जॉब मिल जाती है, जो सऊदी अरेबिया में। जब वहां पे वो जाती है तो उनका किडनैप हो जाता है, कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं, और इसीलिए विद्युत जामवाल वहां जाते हैं उन्हें छुड़ाने के लिए। तो क्या वो उन्हें छुड़ा पाते हैं या नहीं, इंडिया वापस आ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो बात करते हैं इस मूवी के जो एक्टर, उनकी परफॉर्मेंस के बारे में। तो सबकी परफॉर्मेंस मेरे को बहुत अच्छी लगी, बट अनु कपूर की एक्टिंग कुछ अलग ही लेवल की होने वाली। इसके लीड रोल में आपको विद्युत जामवाल, उनके अपोजिट शिवालिका उभरा है, और मेन विलेन कैरेक्टर में आपको दिखने वाले हैं नवाब शाह, जिनकी एक्टिंग मेरे को बहुत अच्छी लगी। और लास्ट में एक जगह आप सरप्राइज भी होने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं इस मूवी में क्या अच्छा है क्या बुरा। तो पहले अच्छी चीज़ों की बात करें तो इसमें आपको बेस्ट लोकेशन दिखने वाली है, और मूवी ने जो लाइन पकड़ी है ना वो फुली फैंटास्टिक होने वाली है, जिससे आप थोड़ा भी बोर नहीं होंगे। और बात करते हैं इसकी बुरी चीज़ों की, तो सबसे पहले मैं आपको इसकी कहानी के बारे में बताने वाला हूँ। इसकी कहानी वही घिसी पिटी स्टोरी जो हमें साउथ और बॉलीवुड में बहुत सारी मूवी में देखने को मिलने वाली है। तो इसकी वजह से आपको ऐसा कहीं फील होने वाला नहीं है कि आप इसे पहली बार देख रहे हैं, वही पुरानी स्टोरी को उठा के उन्होंने कॉपी पेस्ट कर दी है। हमारे सामने अगर आपने हॉटस्टार की सुपर कॉप्स वेब देखी है तो सोच लीजिए वही लोकेशन में ये मूवी शूट हुई है। अगर आप कोरोना की वजह से ऐसे ही विल्ले बैठे हो तो जाओ यार मूवी देखो, और जो एक्सपीरियंस को मिले कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुभ बाय, टेक केयर, वंदे मातरम।